कोविड के बाद से जब क्लासेस स्कूल फिर से खुले तो बच्चे आ गए, कुछ बच्चे दो चार बच्चे आ गए अभाया लेके। हमने सोचा चलो ये ठीक है, जब तक ये लाइन पे ट्रैक पे आते हैं तो इनको करने देते हैं। हमने उनको एलो किया, मतलब ना एलो किया ना बोला कुछ, हमने बोला चलो ये आते हैं तो आते हैं। ऐसे ही ये इस बार भी आए, हमने सोचा ये बड़े बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, चलो अगर ये आते हैं। इनमें से भी सबको हमने नहीं बोला, जिसकी मर्जी थी अपनी मर्जी से जो अबाया पहन के आता था, हमने सोचा चलो अच्छी बात है आने दो। मगर इसका अब क्या मसला हो गया, हमारी यूनिफॉर्म पे इसका बहुत असर पड़ गया। हमारे आजकल बच्चे आते हैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इवन मैंने फिर लास्ट 10th को भी अलाउ किया कि अगर आपकी जिसकी मर्जी है अबाया पहन के आ जाए तो आ जाए, जिसकी नहीं है उसके लिए फोर्स नहीं है। हमारी यूनिफॉर्म क्या है, हमारी है यूनिफॉर्म वाइट कमीज सलवार बच्चियों को, और ऊपर से हिजाब हम वो हमने कंपलसरी रखा है, हिजाब सबके लिए। मतलब किसी को अगर सर ढकना है तो हिजाब से ढके, अगर किसी को नहीं ढकना है तो वो भी, उसके लिए भी हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आपको ढकना है। ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, कौन अपने बच्चे को कहेगा कि सर ढक के जाओ, कौन कहेगा मत जाओ। अब जो सर ढक के आएगा उसको नेसेसरीली हिजाब पहन के आना है वाइट कलर। मैम आप ये स्टूडेंट्स की ये एलिगेशन, एक मिनट मैं उसी पे आऊंगी ना। अब जो ये बच्चे हैं ना, ये आते हैं बच्चे आते हैं आजकल ब्लैक एंड व्हाइट अबाया पहन के, कुछ बच्चे ये बच्चियां कुछ आती हैं पूरा ब्लैक लगा के, कुछ आती हैं वो डिजाइन वाले डिफरेंट पैटर्न से लगा के, छोटे बच्चे हैं 9th, 8th, 7th, 6th डिफरेंट पैटर्न के आते हैं। कल मैंने इनके फॉर्म टीचर को बोला, इन बच्चियों को बोलो अगर आपको अबाया पहनना है पहनो, मगर स्कूल आके इसको निकाला करो फिर क्लास में जाया करो। ये मैंने इनको बोला। अच्छा ये बात बच्चों को ठीक नहीं लगी, ये सब बच्चे मेरे पास आए, यही बच्चियां आ गई मेरे पास, पूरा मैं करूंगी ना पहले। तो बच्चियां मेरे पास आ गई, बोला मैम आपने ऐसे बोला है अबाया निकालना है। मैंने बोला हाँ यहाँ निकालो आप, यहाँ आप सुबह घर से पहन के आ जाओ, मेरे पास ये दरवाजा है, इसके पीछे मैं कील लगवाऊंगी या हैंगर लगवाऊंगी, वहां आप निकाल के रखा करो मेरे सामने, तो फिर दिन भर आप ऐसे रहो। पहले मैंने ये बोला, इन्होंने बोला मैम हम कंफर्टेबल इसमें नहीं है। मैंने कहा चलो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप यहाँ तक नीज को जो कवर करे हिजाब साथ लाया करो। अगर किसी को घर से वो पहन के आना है वाइट कलर का हिजाब यूनिफॉर्म के ऊपर तो ठीक है, अगर कोई अबाया लगा के आएगा घर से वो यहाँ मेरे रूम में निकालेगा अबाया, ऊपर से वो हिजाब लगाएगा यहाँ ऐसे। तो पेरेंट को भी मैंने, मेरे पास उसी टाइम एक पेरेंट आया, मैंने बोला आप आ जाओ कल सुबह असेंबली के टाइम। आज भी एक पेरेंट आया था, उसी का आया था एक बच्ची का पापा, मैंने कहा यहाँ असेंबली चल रही है आप जरा बाहर जाइए आप देखिए हमारी किसी भी बच्ची का फेस और हाथों के सिवा कुछ दिखाई देता है, यहाँ तक स्लीव्स है, यहाँ से अबाया ये ना हिजाब लगा के है यहाँ तक, तो मसला क्या है। मैम ये बताइए मुझे, आप ये एक पेरेंट्स का इल्जाम है आप पे कि आपने साफ कहा था कि अगर अबाया लगाना है तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ से डीसी लेके जाओ, और दूसरा सवाल, दूसरा इल्जाम आपने उनका बच्चों का कहना है कि उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे अबाया लगा के आती है आप अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर देते हो अबाया लगा के। अल्लाह गवाह है, साथ में ये कि ये हिंदू स्कूल है यहाँ पे ये नहीं चलेगा। अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, हम सब हैं मतलब अल्लाह को मानने वाले गॉड, अल्लाह गवाह है अगर मैंने इनमें से कोई एक लफ्ज बोला होगा। इन्होंने बहुत कुछ, इतना ही नहीं बोला, मैंने तो बहुत कुछ सुना सुबह से। मुझे ये भी मुझे बोला आपने मैडम इनको बोला है जो अबाया लगाते हैं उनको गलत करना होता है, मैं ऐसा बोलूंगी। अच्छा फाइनली अब मीटिंग जो पेरेंट्स के साथ होगी तो डिसाइड क्या हुआ? अब डिसाइड ये हुआ कि मैं भी आगे बात करूंगी, एक पैटर्न बनाएंगे, अगर किसी को यूनिफॉर्म बनाना है मुझे भी तो किसी से परमिशन लेना है, एक कलर बनाएंगे एक पैटर्न बनाएंगे वो पहनते हैं। देखिए मैम हायर सेकेंडरीज में अगर देखा जाए जितने भी कश्मीर के अंदर हायर सेकेंडरीज है वहाँ पे हायर सेकेंडरी लेवल के जो क्लासेस है हमने वहाँ पे देखा है कि बच्चे जो बच्चियाँ जो है वो अबाया लगा के हर एक स्कूल के अंदर नजर आती है, तो यहाँ पे आपको इस चीज से प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने 10th, 11th, 12th को मैंने अलाउ किया था, मैंने सोचा ये थोड़ी बड़ी बच्चियां हैं ये कॉन्शियस हो जाती हैं, इनको मैंने कुछ नहीं,
जब तक कि इसका असर बाकी छोटे बच्चों पे नहीं पड़ा। तो को एजुकेशन इस साल स्टार्ट हो गई थी। आपने भी पढ़ा है, आप भी स्कूल गए हैं, आपने भी यूनिफॉर्म पहनी है। स्कूल का मकसद है अगर बच्चा स्कूल आए तो ये यूनिफॉर्म में आ जाए। ये तो कह रहे कि हमारा यूनिफॉर्म लगा क्यों होती है, ऊपर हम अबाया लगाते हैं। वो मत रही फिर यूनिफॉर्म, वो मत तो फिर फाइनली आप लोगों ने क्या। अब मैंने इनको बोला कि मैं आपको बताऊंगी, हम एक पैटर्न देखेंगे अबाया का जो सब यूनिवर्सल, सबका एक यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मिटी। कलर हम डिसाइड करेंगे क्या है, पैटर्न डिसाइड करेंगे क्या है, इसमें मीटिंग बुलाएंगे, देखेंगे कितना अच्छा रहेगा, क्या हो जाएगा। अच्छा, बाकी चीजें क्या होती हैं, ये अबाया पहन के आते हैं ऊपर से, अंदर से इनके घर के कपड़े होते हैं, शुक्रिया, अंदर से बाल नहीं बनाए होते हैं। मुझे एक चीज बताएं, आपके ये बच्चे क्या मेरिट होल्डर्स हैं, अच्छे टॉपर्स? अच्छे नहीं, हमारे सारे बच्चे नहीं, ये जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं, टॉपर्स रहे, ठीक बच्चे हैं, टॉपर्स रहे, ठीक बच्चे हैं, और भी टॉपर्स हैं, इनसे भी अच्छे बच्चे हैं यहाँ। अच्छा, इनका एक और ये पॉइंट है कि आपने क्यों बॉयज को एडमिशन दिया यहाँ, ये भी एक असली ये मसला कुछ और है, तो आप बताएं। इसकी लपेट में आ गया, अबाया की लपेट में आ गया। कह रहे हैं कि ये बच्चों बॉयज को जो एडमिशन आपने दिया है, मैंने नहीं दिया एडमिशन, ये मेरे पास बच्चे आए, मेरे पास ही नहीं डिफरेंट टीचर्स के पास आए। अगर आप कहेंगे मैं उनको बुला के ला सकती हूँ, वो टीचर्स मेरे पास आए, रिक्वेस्ट किया, मैम बच्चे कह रहे हैं कि अगर हम 10 साल यहाँ आपके पास पढ़ते हैं, अगर आपको पता है हमारा कैरेक्टर बिहेवियर सब कुछ, तो आप क्यों हमें 10 साल के बाद निकालते हो 2 साल के लिए? ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी है। हाँ, इस साल हमने 11th में बॉयज को एडमिशन दिया। अच्छा, फिर मैंने नहीं माना, मैंने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि ये गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है, यहाँ बॉयज को हम नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने स्टूडेंट्स ने मैनेजमेंट को एक एप्लीकेशन लिखी, एक मेरे यहाँ डाली जिसमें मैंने नहीं माना। स्टाफ मेरे पास आया बोलने के लिए कि मैम बच्चे मैनेजमेंट डिसाइड कि यहाँ पे लड़के भी पढ़ेंगे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप देखो अगर ये बच्चे मतलब लगता है कुछ, आप रखो क्राइटेरिया इसमें, तो ले लो लड़को बॉयज को। फिर मैंने उनसे परमिशन ली, मैंने बोला सर मैं सबको तो बाहर से जो बच्चे आएंगे उनको एडमिशन नहीं देंगे, जो मेरे अपने बच्चे हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसका उठना बैठना कैसा है। तो इशू आपको लगता है कि वहां से शुरू हुआ जब लड़कों का एडमिशन? ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे अभी पता चला, अभी इन्होंने बोला है, ये मुझे इससे यहाँ से मैंने देखा, ये मुझे पता। पेरेंट्स कल आपके पास आए थे बाहर ये लोग? एक बच्ची, हाँ, एक पेरेंट आई थी मेरे साथ पास, बोला आपने ऐसा बोला है इनको कि अबाया, मैंने बोला मैंने नहीं बोला अबाया मत। वो जो कह रहे हैं उन्होंने कहा कि आप डीसी ले जाइए, इनकी लेके जाइए। मैंने कहा, वो जब आई मैंने कहा मैंने इनको नहीं बोला है अबाया मत लगाओ, ये बेशक आए लगा के, इनको अच्छा लगता है या ये ठीक कम्फर्टेबल फील कर रहे हैं तो लेट देम कम। तो मगर मैंने इनको ये कहा तू ही अनिवर्स वाइट हिजाब योत्तम दुहस लागान क्लासस मे सुबह मे नश कड़ा ये अबाया पे लागान सू हिजाब पत् दुहस रोजान आराम सान छुट्टी वज आवान मे नश तो यह करा गोडे कौर तम दोपन तेल कड़न बहु ये बच्चे मे दस हत बह क्या हक तथ वन तो सू सोचो तु पान अति शोर पत दुन मिड सेशन मकल गए मे दस बहुत ना ती तुम वन अमी रेत कस तम तुम अमिस वाइट हिजाब हूं अन तो ये सू पे लगा उसके बाद ये छुट्टी के टाइम वो निकाल के अबाया वो सेटिस्फाई हो गई। बोला हाँ आप सुबह से मेरे पास 4-5 पेरेंट आए ऐसे ही, वो तो सब कह रहे हैं आप ठीक कह रही हैं, बाहर दस नबर खबर क्या वन तुम सही अगर तुम ये वोमुत ये सही मेरी समझ में नहीं आता है ये इतना झूठ क्या करो तो इतना है कि यूनिफॉर्म। मैंने इनको बोला कि हमें कुछ टाइम दो, हम एक पैटर्न एक कलर डिसाइड करेंगे इसी अबाया का, और मैं परमिशन भी ले लूंगी अपनी अथॉरिटीज से कि ऐसे यूनिफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है ऊपर तो मेरे ऊपर भी कोई बॉस है। मैनेजमेंट कौन सी है इसकी, हु इज रनिंग दिस? मैनेजमेंट तो बाहर है, उनका इसमें कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं है, वो बाहर हैं, उन्होंने उनकी तरफ से कोई ये इशू नहीं है। क्योंकि ये भी मैंने सुना है कि मैडम ने कहा, हमें मैडम ने कहा कि मिच करा प्रेशराइज मैनेजमेंट, उनका इसमें कुछ नहीं है इशू, उनका कोई इशू नहीं है इसमें यूनिफॉर्म में। ये हमारा अपना था
था क्योंकि हमारा डिसिप्लिन एक यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो आपको क्लियर करूँ के बारे अच्छो बचो वो अच्छे मैडम वन तुम सी बाकी बच्चे खराब मतलब खराब नहीं खराब कैसे हो जाएंगे। मैंने बोला कि जो आपने अबाया लगाना ये लगा रहे तुशु या अबाया लगा तो ठीक छु मगर वन हो लगते बच्चों के अस लोग फिफ्थ की बच्ची सिक्स की बच्ची इतनी सी है अबाया पहन के आती है। अच्छा इन्होंने बाहर बोला है कि मैडम छन एलो करा लेगिंग लगावन कहीं। फिर मैंने सर यहाँ थे मैंने उनके सामने नर्सरी के बच्चे लाए नर्सरी से हमारी यूनिफॉर्म में लेगिंग है नर्सरी के बच्चे इतना सा बच्चा है अगर वो चीज बसा यही क्यों थी पाने हल करे स्ट्रेच करने को मैंने करी ना हमने कुछ नहीं किया यही आप पता नहीं किसने किया। कुछ पेरेंट्स हैं जिनको कुछ इशू है पर्सनल इशू पहले से ये होता है कुछ ग्रैज होता है वह मेरे होती मन ये बहाना चलो थैंक यू ये बहाना इतना किया।